नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा मेन एग्ज़ाम 2020 के विभिन्न पाठ्यक्रमों के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं एवं इसी के साथ में रिवोल्यूशन फॉर्म अप्लाई के लिए भी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी तथ्यों के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की ऑफिशियली वेबसाइट पर। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। स्टूडेंट कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। कॉर्नर पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने रिजल्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। इस रिजल्ट के ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। एनुअल मेन एग्जाम रिजल्ट 2019 से 2020 एंड सेमेस्टर रिजल्ट 2019 से 2020। सबसे पहले हम बात करेंगे एनुअल के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। BSc होम साइंस थर्ड ईयर एग्जामिनेशन रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 26/11/2020, BA फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन रिजल्ट 25/11/2020 एंड BSc बायोटेक्नोलॉजी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन रिजल्ट 24/11/2020। तो इस तरह से 25/11/2020 और 26/11/2020 को BSc होम साइंस एंड BA फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है जारी कर दिया गया है। रिजल्ट देखने के लिए दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। रोल नंबर फिल करेंगे। फिल करते ही गेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे गेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। अब बात करेंगे हम इवन सेमेस्टर मेन एग्जाम रिजल्ट 2019 से 2020। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। 27/11/2020 बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेटिक साइंस CBCS सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। रोल नंबर फिल करेंगे और गेट रिजल्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे गेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। अब बात करेंगे हम ओल्ड सेमेस्टर रिवेल एग्जाम रिजल्ट। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ हम रिवेल से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो आसानी से देख सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। इसी तरह से और सेमेस्टर मेन एग्जाम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जहां पर हम जो लेटेस्ट जो रिजल्ट हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम रिवोल्यूशन किस प्रकार किया जा सकता है। तो क्लिक हियर टू फिल द रिवेल एप्लीकेशन फॉर्म। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। रिवेल्यूशन एप्लीकेशन फॉर्म 2024 एनुअल डिग्री सेमेस्टर डिग्री एंड डाउनलोड चालान फॉर सेमेस्टर एंड एनुअल डिग्री। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवेल्यूशन एप्लीकेशन फॉर 2024 एनुअल डिग्री के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। क्लिक हियर टू व्यू रिवाइज्ड रिवेल रूल्स। इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे और रिवेल से संबंधित जो रूल्स हैं उनके संदर्भ में हम यहां जानकारी लेंगे। तो इस तरह से एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। तो यहां हम ये रूल और रेगुलेशन जो दिए गए हैं उसके संदर्भ में जानकारी लेंगे। इसके बाद में अवेलेबल क्लास कौन सी है इसके बारे में हम यहां जानकारी ले सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री में BCom थर्ड ईयर और BSc बायोटेक्नोलॉजी थर्ड ईयर
की रेगुलेशन फॉर्म अवेलेबल है और इसकी जो लास्ट डेट दी गई है 9/12/2020 तक हम रेगुलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल ईयर, पीजी डिग्री की अगर हम बात करें तो यहाँ एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट डेट है 9/12/2020, एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 8/12/2020 तक, एमए ज्योग्राफी फाइनल ईयर के लिए 8/12/2020, एमए होम साइंस फाइनल ईयर, एमए जेनोलॉजी एंड प्राकृतिक लिटरेचर फाइनल ईयर, एमए म्यूजिक फाइनल ईयर, एमए फिलोसफी, एमए राजस्थानी, एमए रूरल सोशियोलॉजी फाइनल ईयर और एमए उर्दू फाइनल ईयर। ये 8/12/2020 तक जो एप्लीकेशन फॉर्म है भर सकते हैं रिवेल का। तो इस प्रकार जो क्लास यहाँ पर अवेलेबल है उसी क्लास का हम जो रिवेल है एप्लीकेशन फॉर्म है पुनर्मूल्यांकन फॉर्म है वो आसानी से भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर हमें रोल नंबर, जैसे बीकॉम थर्ड ईयर है तो यहाँ पर जो क्लास उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर हम रोल नंबर फिल करेंगे। या हम देख सकते हैं रिवोल्यूशन फी फॉर बीकॉम थर्ड ईयर इज़ ₹350 पर सब्जेक्ट, यहाँ पर ₹350 पर सब्जेक्ट प्लस ₹50 रिवोल्यूशन फॉर्म के अलग से लगेंगे। तो यहाँ पर जो जानकारी है हम ले सकते हैं एक्स्ट्रा है। तो रिवोल्यूशन फी फॉर बीकॉम थर्ड ईयर पर पेपर अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ₹350 है और ₹50 जो एक्स्ट्रा लगेंगे रेवोल्यूशन फॉर्म के। तो इस तरह से हम जो रेवोल्यूशन है आसानी से करा सकते हैं। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे आरबीएससी विद एचएसएम के साथ। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह से रेगुलेशन एप्लीकेशन फॉर्म 2024 सेमेस्टर डिग्री दिए गए लिंक पर हम क्लिक कर सकते हैं। रेगुलेशन फॉर्म फी कैन बी पेड थ्रू नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड, नो रिवेल प्रोसेस इज स्टार्टेड येट। तो अभी यहाँ पर जो सेमेस्टर डिग्री है उनके लिए रेगुलेशन फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ नहीं हुई है। तो इस तरह से आसानी से हम चेक कर सकते हैं। डाउनलोड चालान फॉर सेमेस्टर एनुअल डिग्री, यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर हमें एग्ज़ाम कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। जैसे एनुअल को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें जो भी अवेलेबल जो क्लास हैं जिनका हमें चालान लेना होता है। बैंक में अगर हम पैसे जमा कराना चाहते हैं तो आप बैंक में भी जमा करा सकते हैं, या रोल नंबर एंड डाउनलोड चालान। तो इस तरह से हम फीस ऑनलाइन क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करा सकते हैं और चालान के माध्यम से भी जमा करा सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा की। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे आरबीएससी विद एचएसएम के साथ। जय हिंद, जय भारत।